सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो एंड अदर टाइप ऑफ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके हम सभी के YouTube चैनल में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वीडियो गेम के चीट कोड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो गेम जब चालू हुआ था, यानी कि जो जावा टाइप का वीडियो गेम से पहले तो वीडियो गेम का इंट्रोडक्शन हुआ था, तब तो ऐसे हाई फाई गेम नहीं थे। तब वीडियो गेम में चीट कोड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था और कंपनी क्या करती थी, और कंपनी उनके खुद का वीडियो गेम को ट्राई करने के लिए, यानी कि कोई लेवल क्लियर करने के लिए, यानी कोई वेपन ट्राई करने के लिए, कोई गाड़ी हो वो ट्राई करने के लिए कंपनी ने चीट कोड बनाया था। तब वो पब्लिक में इतना फेमस नहीं थे, और जब वीडियो गेम का चीट कोड एक बार लीक हो गया था, तब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे तरह के, जैसे नॉर्मल चीज फैलता है वैसे तरह के चीट कोड फैलने लगा, और इसमें कंपनी का पब्लिसिटी हो गया। तब कंपनी ने भी क्या किया, उन्होंने उनका चीट कोड फैलाने लगे, चाहे वो गूगल में हो या प्ले स्टोर में कोई ऐप के द्वारा हो, वो चीट कोड फैलाने लगे लोगों को, और लोगों में ये बहुत सारे फेमस हो गया ये चीट कोड। और चीट कोड हमारे अब भी, हम अगर भाई सिटी तरह के कोई गेम खेलते हैं, हमें अब भी वो चीट कोड की जरूरत है, चाहे वो भाई सिटी 1 से हो या 2 से हो, 3, 4, 5 GTA 5 आ गया है, तब भी चीट कोड हम यूज करते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो बोलेगा मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी चीट कोड का इस्तेमाल नहीं, तो ऐसे बंदा ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लाइफ में सभी ने चीट कोड को यूज किया ही होगा, चाहे वो गेम का लेवल पास करने के लिए हो, या गेम में कुछ मजा करने के लिए हो, गाड़ी को उड़ाने के लिए हो, या न्यू वेपन ट्राई करने के लिए हो, या चाहे बोले पुलिस केस में फंस गए हो तो पुलिस से बचने के लिए भी हम चीट कोड यूज करें कभी कभी। और दोस्तों ये चीट कोड जब भी, आज भाई सिटी के अलावा दुनिया में बहुत सारे पबजी, फीफा, फोर्टनाइट, ऐसे बहुत सारे तरह तरह के, चाहे IGI हो या जो भी गेम हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, वो फेम अब भी ये जो गेम है वो हम खेलते हैं, लेकिन अब भी GTA का दबदबा बनाया हुआ है। GTA 5 एक हाईली ग्राफिक वाला गेम है, करीब 50 GB का वो आता है, और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 8 GB रैम और इंटेल i3 का प्रोसेसर है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो अब भी GTA का दबदबा बना हुआ है और चीट कोड भी अब लोग यूज करते हैं, और मैंने भी यूज किया है, आपने भी शायद यूज किया हो। तो दोस्तों यही था चीट कोड के हिस्ट्री और चीट कोड कैसे लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो को पसंद हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। सो दोस्तों गुड बाय फॉर नाउ, सी यू सून एंड हैव अ नाइस डे, बाय।